नानी को बुलाओ, नानी चले गई नीचे, नानी मुझे भी ले चलोगी? किसको बाय कर रहे हो? इवियन हेलो, से हेलो, से हेलो इवियन. वेर इज डक? वेर इज डक? वेर इज डक? क्लैप क्लैप, डू क्लैप क्लैप. हाय बोल दो, क्लैप क्लैप कर दो, क्लैप क्लैप. वेरी गुड. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल स्मिताज लाइफ. तो मैं वेलकम करती हूँ आपको अपने नए ब्लॉग में. और आज मैं कहीं जाने वाली हूँ जो मैं आपको आगे बताऊँगी. तो यहाँ इरा इवियन जग चुके हैं और इनका चल रहा है ब्रेकफास्ट. पापा नहीं है, पापा है घर में. तो इवियन अपने पापा को यहाँ पे याद कर रहा है. और आज से शुरू हो गई है दिवाली की सफाई. तो जो जोरों शोरों चल रही है, छोटी दीदी भी लगी हुई हैं, सब लोग हम आज से दिवाली की सफाई में लगे हुए हैं. और इरा इवियन भी इसमें हमारी हेल्प कर रहे हैं. वेलकम टू माई चैनल स्मिताज लाइफ. तो आज मैं जा रही हूँ बुआ के घर. मेरी छोटी बुआ यहीं पे रामगढ़ में रहती हैं, तो हम सब वहाँ जा रहे हैं. इरा इवियन, छोटी दी, सुप्रिया, आशी, भैया, भाभी, हम सब जा रहे हैं. यहाँ मेरा भैया आशी, आशी से हाय. हाय. और इवियन यहाँ बहुत खुश हो रहा है. इवियन हेलो. हेलो बोल दो. इवियन बहुत एंजॉय कर रहा है. इरा को नींद आ रही है. इरा इरा हमारी सोने वाली है अभी. तो आपको मिलती हूँ मैं थोड़ी देर के बाद. तो रांची से रामगढ़ के बीच में ये पूरी घाटी पड़ती है. तो ये वैली इतनी खूबसूरत सी है, आपको पूरी हिल स्टेशन की फीलिंग आएगी. तो ये रास्ता का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत है, स्पेशली अगर बारिश का मौसम हो तो और भी खूबसूरत लगता है. तो हम सब पहुंच चुके हैं रामगढ़. एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ कंजेस्टेड है, काफ़ी जाम लगा रहता है, इसलिए भैया को प्रॉब्लम हो रही थी गाड़ी को इंटर करने में. ये तो बुआ के कैंपस, एक्चुअली बुआ का घर बिल्कुल मार्केट में है, उनका कैंपस मार्केट के बीचों बीच है. तो वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्योंकि अक्सर जाम लगा रहता है. तो यहाँ पे बस हम पहुँच गए हैं, ये उनके कैंपस का ही गेट है, हम बस एंटर कर रहे हैं. Thank you.
में, और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। अब यहाँ पे दिवाली की सफाई चल रही है तो पूरा बुआ का घर ऐसे ऐसे बिखरा हुआ है। और यहाँ पे इवियान को मिल गई है उसकी डॉल। इवियान, वेयर इज योर डॉल? सुप्रिया मासी से मांग लो तो सुप्रिया इसका डॉल देना, डॉल देना, डॉल। एक्चुअली बुआ की ज्वाइंट फैमिली है, पहले इनका कैंपस बहुत ही बड़ा होता था बट अब इसमें काफ़ी शॉप बन गए हैं। ये सारे शॉप इन लोग के ही हैं, मेरी मीन्स बुआ के ही हैं और उनकी फैमिली के हैं। इसमें बहुत सारे मतलब मोर देन 100 दुकानें होंगी, तो अभी थोड़ा कंजेस्टेड भी होगा। और यहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है घर में ही, तो पूरा घर बुआ का काफ़ी बिखरा हुआ था, मैंने बताया था। और यहाँ हीरा इंजॉय कर रही है। एक्चुअली बुआ का काफ़ी बड़ा सा घर है, एक ही घर में 4-5 सेक्शन फ्लैट्स बने हुए हैं, तो ये बुआ के रूम साइड में हम हैं। तो काफ़ी बड़ा घर था तो मैं पूरा सूट नहीं कर पाई, बस हम बुआ का जिधर रूम था मौसी साइड में थे। तो यहाँ हो गया है शाम और अब हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। तो रात हो गई है और हम सब जा रहे हैं वापस मासी अपने घर। तो हम लोग वापस पहुंच चुके हैं घर और इवियान अपने भैया और नानी को देख के काफ़ी खुश है क्योंकि ये सब गए नहीं थे। तो एक्चुअली इवियान वहीं बहुत मिस कर रहा था नानी को, वहीं खोजना शुरू कर दिया था। तो यहाँ आके बहुत ही खुश लग रहा है, बहुत ही खुश हुआ वो घर आकर। तुम नानी को छोड़ के गया था इवियान? नानी कहाँ छोड़ा था नानी को तू? हाँ आशी आई है, तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करो और मैक्सिमम शेयर करो और हमारे चैनल को सपोर्ट करो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।